Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. So if at all you are new to my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. As you all know, at daily 9 p.m. I am conducting a live video for paper 1 MCQ series. So daily 10 questions are being uploaded by me. So if at all you are new for this, then please do come daily at 9 p.m. on my channel. You can also join Telegram channel. The channel name is Learn with Hina. Do follow me on An Academy. Just type my name Hina Jain and you will be getting a follow button. Click on it to get all the notification about my latest courses and lessons whichever I am uploading it on An Academy. If at all you like the way I teach you, do dedicate me heads for the same. Do provide ratings and reviews for all my courses which are available on An Academy. So till now 17 courses are been available for paper 1 and paper 2. You can go have a view on it, and on the basis of that you can watch whichever content you want to watch it out. So till I have completed around 130 questions on YouTube for paper 1, and I have provided a PDF of 100 questions. So the questions which are been covered by me on YouTube, for that, after completing each 100 set of questions, I am providing the PDF on my channel, that is Learn with Hina Telegram channel. So go and download it from there. So now, question number 31. The best indicator of meaningful learning is the ability to. So क्या बोला गया कि best indicator meaningful learning की क्या होती है? Option A, achieve more than 80% marks in the examination. Option B, express the content learn without a single mistake. Option C, apply the knowledge in solving the problem. Option number D, retain the knowledge for a long period of time. So देखो, अगर आप कुछ चीज लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब मीनिंगफुल कब होगी, वो महत्व वाली चीज कब बनेगी? अगर आप सिर्फ 80% मार्क्स लेके आ गए आपके एग्जाम में, वो तो आप नॉर्मली कॉपी करके, बहुत सारे जन इतने मार्क्स लेके आ जाते हैं, ठीक है, कभी लीनियर चेकिंग होती है तो उसमें भी इतने मार्क्स निकल के आ जाते हैं, या ऐसे बोल रहे कि मीनिंगफुल लर्निंग ऐसी हो जहाँ पे आपने जो भी आपने पढ़ा है अब तक आप फिर से बोल रहे हो तो कोई मिस्टेक ना करो, ऐसे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद भी आपको पढ़ाती हूँ, बट मेरे साथ में भी हो सकता है कि मैं भी आपको कुछ गलत पढ़ा दूँ, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है बोलने में, ठीक है। और एक और पॉइंट डी वाला क्या बोल रहा है कि रिटेन करना नॉलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि अगर आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसे अपने पास संभाल के रखना माइंड में। अब आपको पता है अगर आपने सिर्फ रिटेन किया है उसको तो आप भूल जाओगे, तो मीनिंगफुल लर्निंग कब होती है, जब आपने जो भी नॉलेज गेन किया है उसे आप यूज करो कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लैक्टोमीटर इज यूज टू मेजर। तो लैक्टोमीटर जो होता है वो यूज किया जाता है टू मेजर वॉट? ऑप्शन ए, डेंसिटी ऑफ सी वाटर। ऑप्शन बी, डेंसिटी ऑफ मिल्क। ऑप्शन सी, वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ ऑफ सी वाटर। सो लैक्टोमीटर जो होता है, आपको कमेंट में आंसर करना है, भले सही करो या गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ आंसर दे रहे हो और आप सीख रहे हो, ठीक है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी है, यहीं पे चीज़ें सीख रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अगर कुछ चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने आंसर दे दिया, ठीक है, बट हमारा आंसर गलत हो गया, तो जब सही आंसर आपको पता चलता है ना तो वो आंसर आपको ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद होता है, इसलिए हो सके उतना आंसर कमेंट में लिखा करो, क्योंकि लिखने से आपको याद होता है, और अगर आप मिस्टेक करो तो वो फिर से जब आपको सुनने को मिले कि आपने कहाँ गलती की है तो उससे भी आप वो चीज़ को ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हो। तो लैक्टोमीटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है टू मेजर वॉट? ऑप्शन बी, दैट इज डेंसिटी ऑफ मिल्क। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वर्मी कंपोजिटिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज मेनली डन बाय। सो वर्मी कंपोजिटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, फंगाई। ऑप्शन बी, इंसेक्ट्स। ऑप्शन सी, वर्म्स। ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। सो जो ये वर्मी कंपोजिटिंग है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, ये आपका वर्म्स के द्वारा किया जाता है, मेनली यहाँ पर दो वर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको इन डिटेल पढ़ना है तो एक बार ऐसे गूगल सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। देखो, अगर सब पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये चीज़ आप भी समझ सकते हो, बट अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं कमेंट में आंसर करके आपको समझा दूंगी। अगर आपने कमेंट बॉक्स भी देखा होगा तो डाउट्स वहाँ पे भी अगर कोई मेरे से पूछता है तो मैं वहाँ पे क्लियर कर देती हूँ,
और अगर वहाँ नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी पूछते हो तो मैं वहाँ पे भी आपके डाउट्स ले लेती हूँ, ठीक है? तो आप पहले खुद से भी ट्राई कर लो, नहीं समझता पूछ लो, मैं तो हूँ ही यहाँ पे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी वर्म्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लूनार एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। तो ये जो लूनार एक्लिप्स होते हैं ये कब होते हैं? ऑप्शन ए सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ऑप्शन बी मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ऑप्शन सी अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, और ऑप्शन नंबर डी अर्थ मून सन ये सब इक्वी डिस्टेंस में रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है? तो लूनर एक्लिप्स जो होते हैं वो मेनली होता है जब अर्थ जो होता है ना वो सन और मून के बिटवीन में आता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 हैज़ बिन रिसेंटली रिलीज्ड बाय। तो ये जो मतलब रिसेंट क्वेश्चन है, रिसेंट ट्रेंड जो रिसेंट चीज़ें हो रही है यहाँ पे जनरल नॉलेज वाली, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपने देखा होगा पेपर वन में आपको पूछा जाता है, इसलिए वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे पुटअप करूँगी ताकि आपको अगर कहीं से नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो तो आप ये क्वेश्चंस भी एटलीस्ट प्रिपेयर करके जा सकते हो। सो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ये किसने रिलीज किया था? NITI, NHFS, CBHI, NHRC। तो ये आपका रिलीज किया था CBHI। तो अब ये CBHI क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, ठीक है? नाम से ही पता चल गया था हेल्थ के रिलेटेड था, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1961 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मुदालिल कमिटी, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी, ठीक है? ये द हेल्थ इंटेलिजेंस विंग है अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए नेशनल हेल्थ प्रोफाइल किसने रिलीज किया था, तो ये रिलीज किया था आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, ठीक है? तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए आपके बुक में, क्योंकि ये आपको याद नहीं रहता है तो आप प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एनश्योर पोर्टल इज प्राइमरीली रिलेटेड टू। सो ये भी जनरल नॉलेज वाला ही क्वेश्चन आ गया आपका, जनरल अवेयरनेस कह सकती हूँ मैं इसको, सॉरी जनरल नॉलेज नहीं करूँगी, जनरल अवेयरनेस। ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस, ऑप्शन बी सब्सिडी पेमेंट, ऑप्शन सी डेटा मैनेजमेंट, और ऑप्शन नंबर डी एडुकेशन। तो जो आपका इंश्योर पोर्टल जो है ये बेसिकली आपका रिलेटेड होता है सब्सिडी पेमेंट से, पेमेंट के साथ में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंश्योर पोर्टल हैज़ बिन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बाय मिस्टर राधा मोहन सिंह। तो देखो अब तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सपोज कि इंश्योर पोर्टल किसके साथ में रिलेटेड है, तो आपको पता है सब्सिडी पेमेंट के साथ में। अगर कल के दिन आपको पूछ ले कि ये लॉन्च किसने किया था, तो ये लॉन्च किसने किया था, यूनियन मिनिस्टर किसके, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, कौन, मिस्टर राधा मोहन सिंह। द इंश्योर 2.0 ऑनलाइन पोर्टल इज डेवलप्ड बाय नबार्ड। सो ये किसने डेवलप किया है, नबार्ड ने। एंश्योर डायरेक्ट ट्रांसफर विल ऑपरेट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एंश्योर पोर्टल इज टू मेक द सब्सिडी ट्रांसफर प्रोसेस क्विकर एंड फास्टर। सो कैसा बनाना है, फास्ट, क्विक एंड फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हु वॉज द ऑथर ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी का पूछा है, कौन ऑथर था किसका, फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सर्वपाली राधाकृष्ण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये फिलोसॉफी के जो ऑथर थे वो आपके थे सर्वपाली राधाकृष्ण। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट दे रखा है आपको टाइवेयर डैम इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, पोलावरम इज अ मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑन द रिवर गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, प्लीज फोकस कर लेना, नॉट करेक्ट बोला है, इनकरेक्ट बोला है, क्या बोला है। सो जो आपका टाइवेयर डैम है, तिवारे डैम या टाइवेयर डैम, ये आपका महाराष्ट्र में ही है, बट ये जो पोलावरम है ना ये आपका रिवर कृष्णा पे नहीं है, इसका क्या होता है, हाँ रिवर गोदावरी पे है ये, ठीक है? सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है, ए करेक्ट है। तो आपको पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बी करेक्ट नहीं है, इट मीन्स आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, रिसेंटली क्राइसॉर फ्रेंट फ्रेम रूट एंड जीरो डे वल्नरेबिलिटी हैज बीन रिपीटेडली मेंशन्ड इन द मीडिया विद एप्रीहेंशन, दिस आर रिलेटेड टू विच, क्लाइमेट चेंज, केरला मास किलिंग, साइबर सिक्योरिटी और एग्री पेस्टिसाइड। सो ये चीज़ें किसके साथ में रिलेटेड है, तो ये भी आपकी जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। तो ये आपके साइबर सिक्योरिटी के साथ में रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ा सर्च कर लेना गूगल पे, ये सब के मतलब नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। साइबर सिक्योरिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, CERT इन अ नोडल गवर्नमेंट एजेंसी दैट डील्स विद द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग इन इंडिया। ऑप्शन बी, डिफेंस साइबर एजेंसी फोकस ऑन नॉन सिविलियन साइबर इश्यूज। तो क्या बोला गया है, CERT जो है ये एक नोडल गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि डील करती है साइबर सिक्योरिटी के साथ में, जो थ्रेट करते हैं कैसे टाइप के, हैकिंग और फिशिंग करने का काम करते हैं इंडिया में। और दूसरा क्या बोला गया है, साइबर डिफेंस साइबर एजेंसी जो है वो फोकस करती है आपका नॉन सिविलियन साइबर इश्यूज के ऊपर, ठीक है, नॉन सिविलियन, ठीक है, सिविलियन नहीं बोला, नॉन सिविलियन बोला। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन वन, ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ऑप्शन सी नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट। सो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है आपके, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सो आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर लेना। कल मिलते हैं 9 o'clock, टिल देन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट कमेंट में बता देना, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर दे देना, अच्छा खासा फीडबैक दे देना मुझे यहाँ पे, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर अप कर लेना। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।